विकासनगर तहसील के ग्राम पंचायत पुंजा ग्रांट में तड़के सुबह गैस सिलेंडर फटने से एक घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि चाय बनाते समय अचानक ये हादसा हुआ, जहां सिलेंडर गैस में आग लगना शुरू हो गई। आग बढ़ता देख घर से लोग बाहर निकल गए। वहीं धीरे धीरे आग विकराल रूप लेते हुए बगल के घर को अपने चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। वहीं आसपास के लोगों ने आग बुझाने के लिए प्रयास किए। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। परिवार के लोगों ने बताया कि घर में रखे सभी कागजात सहित घर के अंदर रखे 70,000 कैश जलकर खाक हो गए। वहीं मौके पर पीड़ित ने बताया कि घर बनाने के लिए मजदूरी करके पैसा जमा किया था। वहीं अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई है। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। नुकसान हुआ 70,000 रुपए। क्या था इसमें? ऐसे थे 70,000। 70,000 रुपए। अच्छा, और सामान था? अपने घर में चाय बनाने के लिए उन्हें अपना गैस चालू किया, तो चाय बनने के बाद अचानक से गैस ने पूरी तरीके से आग पकड़ ली। लेकिन पड़ोस में हल्ला मचाने के बाद जब लोग आए तो उन्होंने उसको बुझाने की कोशिश की, उसके ऊपर गीला कपड़ा करके वो लपेटा, लेकिन उसके साथ आग इतनी ज़्यादा तेज हो गई कि उन्होंने पूरे घर को जला दिया। बामुश्किल वो अपने घर से अपनी जान बचा करके इनको बाहर निकाला गया।